बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है। बारिश कहाँ से हो रही है? क्लाउड से हो रही है। बारिश क्लाउड से हो रही है तो मेरे मन में एक घंटी बजी। क्लाउड से हो रही है तो भाई आपने तो मोबाइल के अंदर देखा होगा, मोबाइल और लैपटॉप के अंदर भाई क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसलिए मेरे मन में एक घंटी बजी। मैंने सोचा भाई क्लाउड के अंदर कुछ कंप्यूटर वगैरह कुछ रख दिया है क्या। मैंने सोचा भाई बता दीजिए भाई क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। मेरा नाम है सौरभ, आज एक टेक्निकल प्रॉब्लम सर पीड़ू चैनल, चलिए शुरू करते हैं। हम पहले उसका नाम से शुरू करते हैं भाई। क्लाउड जो कंप्यूटिंग होता है उसका नाम ऐसा क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग रख दिया गया है भाई? क्लाउड जो होता है ना, क्लाउड के पार्टिकल्स दो होते हैं ना, क्लाउड इधर से घूम कर आता है, इधर तक तो घूम कर जाता है, इधर भी बारिश होता है, इधर भी बारिश होता है। ऐसे ही जो क्लाउड का हमारा कंप्यूटिंग का सिस्टम है वो भी ऐसा ही सर्व करता रहता है, इसलिए उसका नाम ऐसे पे रख दिया गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग रख दिया गया है। उसके नाम के बाद के छोड़ते हैं, हम बातें पे आते हैं भाई। आपके पास जो डाटा है, फोटो है, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह है, कुछ ऑफिस का आपके पास जो डाटा है आपके कंप्यूटर में है, आप चाहें तो उसे क्लाउड में वो सेव हो जाएगा। आपका जो क्लाउड में सेव हो जाएगा, आपको तभी लैपटॉप है, आपके कंप्यूटर में जो डाटा है वो क्या करेंगे कि भाई आपके डाटा तो कंप्यूटर में है, आप बाहर कहीं जा रहे हैं, आपको वही डाटा चाहिए, तो आप कैसे लेंगे? वो तो बहुत सारा जीबी का है, बहुत टीबी का है, 1 टीबी का है, इतना टीबी तो आप लेके नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे भाई? क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है वो डाटा शेयर करता है, वो कैसे भी करके ऑनलाइन में अपना डाटा जो सेंटर है वो उसमें स्टोर करके रखता है, उसमें पासवर्ड वगैरह वगैरह सिक्योरिटी टाइट सिक्योरिटी के साथ देकर रखता है। उसके बाद तुम्हें जब चाहिए, तुम यहाँ से जा रहे हो और एक कहाँ पर वार्क है वहीं भी चाहिए, आप अपना टैबलेट यूज करो, मोबाइल यूज करो, वहीं पर आपका लैपटॉप का डाटा वहां पर भी आपको मिल सकती है। चलिए और एक बात बताते हूँ, आपके पास यहाँ स्टोरेज करेंगे तभी जब वो एक बड़े कंपनी होते हैं उनके तो बहुत सारे डाटा होते हैं, उनके जो एम्प्लॉय का डाटा होता है 2000 शायद एम्प्लॉय है, उसके बाद उनका डाटा और कंपनी का डाटा होता है भाई, उनका जो डाटा स्टोर करे कहाँ स्टोर भाई? वो स्टोर करने में भाई ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा बड़ा यूनिट लगेंगे, कभी भी डाटा की सोर्स बढ़ानी पड़ेगी तो भाई बढ़ाने में भी दिक्कत आ सकती है और उसमें डाटा भी भरने के लिए बहुत दिक्कत आती है। उसी की वजह से भाई क्लाउड कंप्यूटिंग जो है बहुत सारे सर्विस है, गूगल ड्राइव भी हुआ कि ऐसे और क्लाउड सर्विस आप हमें प्रोवाइड करें। उसी वक्त एक कंपनी चाहे एक क्लाउड कंप्यूटिंग ओ ले ले, उससे मैं आपको इतना पैसा दूंगा भाई, उनका जो प्लान होता है मंथली प्लान, ईयरली प्लान, ऐसा प्लान होता है और लाइफ टाइम प्लान, ऐसा प्लान्स वगैरह होते हैं, ऐसा प्लान्स को और करके अपने कंपनी में यूज करें तो भाई वो कितना पैसा लगेगा भाई? वहां पर बहुत कम पैसे में भाई हो जाए भाई। अब जा रहे बहुत सारे गेमिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स और ऑनलाइन कुछ वार करें, तभी ऑनलाइन गेम के लिए आपको बड़े बड़े गेम होते हैं ना, उसके लिए आपको हाई सेटअप कंप्यूटर की नहीं जरूरत है, अभी अभी जरूरत है आपको हाई सेटअप क्या, हाई सेटअप इंटरनेट की, आपका हाई सेटअप इंटरनेट है, आपका उतनी तेजी से गेम दड़ाइए, उसके मदद से आप भी गेम भी खेल सकते हैं अपना गूगल ड्राइव में, वहां पर भी आपको क्या मिल जाता है, आप वहां पर जाइए वर्ड यूज कर दीजिए, एक्सेल यूज कर दीजिए, पावर पॉइंट यूज कर दीजिए, उनका जो सारे आप यूज कर दीजिए, और वहां पर आपको भी मिल जाता है पी कट और कुछ भी आप फोटो एडिट करने के लिए, वहां पर सारे टूल भी आपको मिल जाते हैं, फ्री मिल जाते हैं, वहां पर आप यूज कर सकते हैं, आपको सिर्फ हाई इंटरनेट की जरूरत है, वहां पे आप यूज करिए और आपका इजी से आपका जो वर्क है आप वहां पे वर्क कर सकते हैं। किसी को लगता है कि भाई वहां पर सिर्फ डाटा स्टोरेज करते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वहां पर सारे हमारे भी जो वर्क है ये हम वर्क वहां पर भी करते हैं।
आपके व्हाट्सएप में तो आप चलाते होंगे, जब पहले आपको सेटअप करनी है व्हाट्सएप, आप नंबर देते हैं, उसके बाद ऑप्शन कुछ दिखाता है, नेवर आता है, उसके बाद वीक आता है, उसके बाद मंथ आता है, उसके बाद ईयर आता है। क्यों ऐसा आता है कि आप जब डाटा को स्टोर करना चाहे अपने जो व्हाट्सएप के क्लाउड में है वहां पर स्टोर कर सकते हैं। भाई स्टोर करने से क्या आपको फायदा होती है, आप शायद एक नया मोबाइल लाओ वहां पर क्या होगा, तो आप नंबर सेटअप करोगे, नंबर सेटअप करोगे तो उसके बाद आपका जो डाटा है वो खो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, वो आप कैसे पा सकते हैं, वो जो आपने जो वीक का करके रखा था ना वो क्लाउड में है, आप रिफ्रेश कर देंगे तो वो चलाएगा आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगा। आप ऐसे भी व्हाट्सएप से आपका फायदा उठा सकते हैं ये क्लाउड की मदद से। और एक बात आपको बता दूं, आपके मैं बढ़िया से एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक साधे 500 TB का आपके पास एक सेटअप है, वहां पर आप वहां अपने घर के पास में जाइए, आप वहां पर बोल दीजिए भाई मेरे पास है एक सेटअप, मेरे से भाई खरीद लो, मैं आपको सारे को दे दूंगा, 1 1 TB सारे को दे दूंगा, उसके बाद आप बोल दीजिए और आपसे खरीद लेंगे भाई, आप यहाँ पर सिक्योरिटी प्राइवेसी दे दीजिए, पासवर्ड दे दीजिए, आप जरूरत करके रख दीजिए, उसके बाद उनके बता दीजिए वहां पर यहाँ पर ये सिक्योर है, आप समझिए मतलब उनका पास से भी हार्डवेयर से उनका डिलीट हो गया डाटा, आपके यहाँ पर होगा वो डाटा, और डाटा होगा तो आप वहां पर भी स्टोर कर सकते हैं, उसके आपने कुछ वेस्ट हो गए, इसके मदद से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, जरूर लाइक करना, एंड सब्सक्राइब भी मत करने में मत दिखाना, मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूँ। चले मिलते हैं।